सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं इंडियन रेलवे में निकली हुई भर्ती के बारे में। पर भर्ती की ओर जाने के पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि यदि आप इंडियन रेलवे में भर्ती होने के लिए उत्सुक हैं, तो कृपया ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप करे देखें। यदि आप स्किप करते हो तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जा सकती है और वो आपको अप्लाई करने में दिक्कत देगी। तो चलते हैं आज के जॉब की ओर। इंडियन रेलवे ने हाल ही में ही एक भर्ती जारी की है गुड्स गार्ड की, और सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है और अधिकतम 42 ईयर्स की एज तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के अनुसार आपको आपके एज में एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक है, वहां पर आप पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के द्वारा होगी, पर उसके पहले उम्मीदवार को रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना जरूरी है। उम्मीदवार को प्रतिमाह सैलरी लेवल 5 ऑफ 7th सीपीसी के अनुसार मिलेगी और ग्रेड पे एस पर रूल लिखा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को ग्रेड पे मिलेगा। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना हो तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। वो लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर लेके आएगी और आप हमारे वेबसाइट पर आकर एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई नाउ, उस पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हो। आप ऑनलाइन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो इस लिंक पर क्लिक कर। और यदि आपको और जानकारी चाहिए, जैसे हमने फ्री एप्लीकेशन फी के बारे में बताया था कि यदि आपको एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी पानी है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ को ओपन करते हो, पूरी फीस की जो जानकारी उसको आपको विस्तार में मिलेगी और अप्लाई किस प्रकार आपको करना है वो पूरी जानकारी आपको विस्तार में मिल जाएगी और आप आराम से उसे पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फी बारे में हो गया। अभी एजुकेशन वॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है 12th पास। तो हमारे जो भी उम्मीदवार 12th पास है वह जल्द से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई करें, और साथ ही साथ ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ये कृपया आप जान ले। लास्ट डेट यहाँ बताई गई है 3rd अक्टूबर 2017, यानी आपके पास बहुत टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तभी भी आप हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप देर ना करें, जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करें और जॉब पाए। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी यदि आप इस पोस्ट को सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भारत के किसी भी कोने में हो सकती है, ये कृपया आप जान ले। पोस्ट का नाम जैसे यहाँ बताया गया है गुड गार्ड्स ऑपरेटिंग, और वैकेंसी है 136, यानी अच्छी खासी वैकेंसी है। वैकेंसी कम है, पर यदि आपको इस पोस्ट को सिलेक्ट होना हो तो एक वैकेंसी भी काफी है। तो आप ये ना देखें कि वैकेंसीज कम है या ज्यादा है, जितनी भी वैकेंसीज हो आप अप्लाई करें। यदि आपको सिलेक्ट होना हो तो आपको एक वैकेंसी की जरूरत है। तो दोस्तों, एक वैकेंसी हो या कितनी भी वैकेंसी हो, आपको तो अप्लाई करना ही है। तो आप वैकेंसीज के ऊपर ध्यान ना दें, एक भी हो या दो भी हो आप अप्लाई जरूर करिएगा, न जाने आपको सिलेक्ट हो जाओ और आपको जॉब मिल जाए। जैसे यहाँ बताया गया है 12th पास उम्मीदवार और ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी उम्मीदवार है 12th पास और ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त, वो जल्द से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई करें और जॉब पाए। ये अच्छा खासा मौका है रेलवे में जॉब्स पाने का। बहुत दिन से रेलवे के लिए जॉब्स नहीं आ रही थी, तो ये जॉब अच्छी खासी है। आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स है, तो जो भी उम्मीदवार है 42 के नीचे, ये जल्द से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई करें और जॉब पाए। यदि आपको और रेलवे जॉब्स की जानकारी चाहिए तो आप रेलवे जॉब का जो हमारा टैब है रेलवे का, उस पर क्लिक कर रेलवे में जो जॉब वैकेंसी अवेलेबल है उनकी जानकारी आप पा सकते हो और रेलवे जॉब्स को विस्तार में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि ऐसी जॉब्स की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। यदि आप उस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हो तो उसके राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ उस बटन पे प्रेस करना है। और जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे, हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आएंगे बेल आइकन से, और आपको बेल आइकन पर दिखेंगे। ये जो बेल आइकन है वहां पर आपको नोटिफिकेशन आएंगे हमारे नए अपलोड्स के, और आप जैसे अपलोड होगी वीडियो आप उसे देखकर हम आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा
और आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हमें लगता है, और लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।